यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, और जब हम उसे किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होता है। मतलब जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तब ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ पुल करके उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देती है, और वहीं जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देती है। नोटिस करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही कंडीशंस में ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम इनमें से किसी एक कंडीशन में निगेटिव एक्सेलरेशन और किसी एक में पॉजिटिव एक्सेलरेशन का प्रयोग करते हैं। और निगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो जाती है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में ग्रेविटी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो एक ही डायरेक्शन के लिए हम दो अलग अलग साइन कैसे यूज कर सकते हैं? इसे समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर की तरफ जाते वक्त उस बॉल पर एक्ट कर रही ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड में होगी, लेकिन उस बॉल के वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड में है। हमें यहाँ ये क्लियर रखना होगा कि जब हम दो अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को निगेटिव साइन से इंडिकेट करना होता है। जैसे यदि हम राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं तो लेफ्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा, और हमारे पास ये पूरी आज़ादी है कि हम जिस डायरेक्शन को चाहें उसे पॉजिटिव या निगेटिव बोलें। लेकिन यदि हमने एक बार इंडिकेशन चूज कर लिया तो हमें अंत तक उसे ही मानना होगा। यहाँ ये बॉल अपवर्ड या डाउनवर्ड में ही मूव करेगा, तो हमें इनमें से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव या निगेटिव से इंडिकेट करना होगा। चलिए मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन निगेटिव होगा। हमने जब उस बॉल को ऊपर थ्रो किया तब उसकी वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड थी, और चूंकि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी -98 मीटर पर सेकेंड होगा, और यह बॉल सर्टेन हाइट पर जाकर रुक जाएगा, इसलिए इसका फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा। उस बॉल पर एक्ट कर रही ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए उसका वैल्यू +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करते हुए हम इन वैल्यूज को पुट करके ये पता कर सकते हैं कि वो बॉल कितने समय में रेस्ट में आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद हमें वो टाइम 10 सेकेंड्स के बराबर मिलेगा। चलिए अब बॉल को उस पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करके देखते हैं। चूंकि बॉल शुरुआत में रेस्ट में था इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा। इस समय वो बॉल डाउनवर्ड में ट्रेवल कर रहा होगा, और डाउनवर्ड के डायरेक्शन को ही हमने पॉजिटिव इंडिकेट किया है, इसलिए उसका फाइनल वेलोसिटी +98 मीटर पर सेकेंड होगा। ग्रेविटी भी चूंकि डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है इसलिए उसका वैल्यू भी +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि बॉल के ऊपर जाते वक्त भी और नीचे आते वक्त भी हमारी ग्रेविटी की साइन पॉजिटिव ही है, और जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे तो इस समय भी हमारा टाइम एग्जैक्ट उतना ही आएगा जितना कि पहले कंडीशन में आया था। इससे हम ये समझ सकते हैं यदि हम दोनों कंडीशंस में ग्रेविटी को सेम साइन से ही इंडिकेट करें तो भी हम सही निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगा कि हमारा चूज किया हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ग्रेविटी के साइन को बदलते क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि हम ग्रेविटी के साइन को बदलते ही नहीं हैं, बल्कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही बदल देते हैं। मतलब यदि बॉल के ऊपर जाते वक्त डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव बोलते हैं तो ग्रेविटी भी पॉजिटिव होगी, लेकिन जब बॉल नीचे गिरने लगता है तो हम कोऑर्डिनेट चेंज करते हुए अपवर्ड को पॉजिटिव बोल देते हैं, और ग्रेविटी नीचे की तरफ होने की वजह से अपने आप निगेटिव हो जाती है। और इस बात को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कहीं दर्शाते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।